बंब बन के ना मुसलमान थले बढ़ गया टैंक टैंक फट गया सिखा नु फिर मोड़ा लग गया जेडे डिग पे मर गए बाकी नस गए जू नस एथो टिकटा लै गए होर नस गए हण एथो अच्छा ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਊ ਹੈ ਇੰਦਰ ਤੋਕਾ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सियालकोट के जो टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई जो चुंडा सेक्टर में हुई थी वो सारा इलाका आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ बेसिकली यहाँ तक, यहाँ से आगे एक दो किलोमीटर तक इंडियन आर्मी पहुँच चुकी थी और बग़ैर किसी लड़ाई के चंद हमारे जो जवान थे रेंजर के वो बॉर्डर के ऊपर थे। लेकिन वो उनकी जो 600 टैंकों के हमला जो सियालकोट से लेकर कसूर तक था उसको रोकना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो 20-25 किलोमीटर अंदर आ गए थे बग़ैर लड़े हुए। वो सारा इलाका आपको दिखाऊंगा और आपने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये मेन रोड है, ज़फरवार रोड इसको बोलते हैं, बागवा रोड भी बोलते हैं। और यहाँ इस वाले गांव में पाकिस्तान आर्मी का कब्ज़ा था। वो बिल्कुल पीछे जो गांव है दरकालियाँ, ये चक भी दिया है तो दरकालियाँ में इंडियन आर्मी का कब्ज़ा था। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा नौजवान शहीद हुए थे, वो भी अपनों की एक गद्दारी की वजह से। स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कलैदा वीडियो के अंदर, जिनको बाद में उनके जस्ते खाकी को इस गांव से लेके चले गए थे, पहले उनको यहां पे दफना दिया गया था। अच्छा दोस्तों, अभी यहां पे रोड के ऊपर ये काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड, और इसलिए रेत पड़ी हुई है इसके ऊपर। थोड़ा बाइक को ज़रा ध्यान से चलाना पड़ रहा है, रेत के अंदर घुस जाती है बस। अभी ये ट्रैक्टर देखे सामने आ रहा है, इसको मैं यहाँ भी खड़े कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा रेत है। ये देखना मशीन लगी हुई है रोड को, इसको तमीर करने के लिए। ये चेक करें ज़रा, रोड टूटा हुआ है यहाँ पर, बन रहा है। उम्मीद है कि एक दो महीने तक ये रोड बन जाएगा। ना ज़बरदस्त व्यू है इन दरख्तों का। अभी यहाँ से फ्यूल वगैरह डलवा लेते हैं और फिर आगे हम मज़ीद जो है ना अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये है जी बागवाल का अड्डा, बागवाल गांव का अड्डा। ये बंदा बाइक के पीछे वो कैप सा लग जाएगा, 20-25 रुपये का लगेगा, लेकिन लोगों के कपड़े ख़राब होने से बच जाएंगे। पता नहीं क्यों यार नहीं लगवाते लोग। फ्यूल यहाँ से फिल करवाते हैं। छोटे 500 रुपये तक कर दे यार, 500 रुपये तक कर दे।
दे दे फ्यूल मैंने करवा लिया है 500 का, तो अब मज़ीद हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। रोड की कंडीशन इधर ज़रा ऐसे ही है ये वाला, ये जो रास्ता हम फ्लोरे की तरफ जा रहे हैं, और फ्लोरा भी टैंकों की एक बहुत बड़ी यहाँ पे लड़ाई हुई थी। हम मज़ीद मेजर अब्बासी शहीद की यादगार पे भी जाएंगे, गठगोड़ में शोधा की कब्रें हैं वहाँ पर भी जाएँगे, चविंडा में भी जाएँगे। तो अभी हम इस रोड ट्रिप को और इस रोड को भी एंजॉय करें आप लोग। रोड के दोनों साइड पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। आई होप कि GoPro आपको वो जस्टिफिकेशन करके दिखाता होगा कि कितना खूबसूरत है। और ये दरख्तों के पास से जब गुजर रहे तो ठंडी हवा है, वैसे भी गर्मी है, लेकिन ये जैसी क्योंकि टेम्परेचर जहाँ पे भी दरख्त होते हैं टेम्परेचर गुजर हो जाता है। ये आ गया जी आगाज़ हदूद थाना आगाज़ हदूद थाना फ्लोरा। अगर आप इंडियन चैनल्स के ऊपर वीडियो देखें तो वो इस फ्लोरे के माहौल को बड़े फख्र से वो दिखाते हैं और कहते हैं जी हमने फ्लोरे को फतह किया। तो वहाँ पे तो इतनी मज़ाहमत थी ही नहीं, चंद हमारे FF के जवान और 5 से 6 ऑलमोस्ट ये भी कहा जाता है कि 3 से टैंक थे हमारे पास जो जिन्होंने उनको रोका दफा किया, लेकिन वो अपनी पूरी 3 ब्रिगेड के साथ उन्होंने हमला किया हुआ था। 600 टैंक का हमला था सियालकोट से लेकर कसूर तक, उनमें से तो 250 टैंक तो सिर्फ यहाँ पर ही थे जफरवाल, ये चिविंडा और सियालकोट में। इन गाजियों और शहीदों की बहादुरी है जिन्होंने बड़े जुर्रत के साथ उनको रोका। अच्छा दोस्तों, ये सीधा रास्ता फ्लोरे की तरफ निकल जाता है और ये अलर्ट का स्टेशन है, फेमस स्टेशन है जहाँ पे जब सीज़ फायर लाइन हुई थी तो एक साइड पे रेलवे की टेक्री ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान का कब्ज़ा था और एक साइड पे इंडिया का कब्ज़ा था। अभी मैं पहले वो जगह आऊँगा, फिर उधर से ही चिवंडे की तरफ निकल जाएंगे। ये सारा इलाका मैं कवर करूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। थोड़ी सी बारिश हुई है, रास्ता थोड़ा सा इसी तरह का ख़राब है। जी अब हम अलर्ट की तरफ, अलर्ट जो फेमस गांव भी है वहां की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो इस साइड पे जो रोड है वो बड़ा कॉर्पोरेट रोड नज़र आ रहा है, बहुत रोड की कंडीशन बड़ी अच्छी है। जो पीछे था सियालकोट से लेकर बागवाल रोड, इसको जफरवाल रोड भी कहते हैं, उसकी रोड कंडीशन तो बड़ी ख़राब थी, लेकिन अभी तक तो ये जो रोड हम अलर्ट की तरफ जाने लगे हैं तो रोड की कंडीशन तो बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त रोड है। दरख्तों के नीचे लोगों ने अपनी भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं, और क्योंकि ये जी कोई नाला सा है दफाई इधर भी। इन मैदानों ने बड़ी खून रेजी देखी हुई है। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की तादाद और इंडियन आर्मी की तादाद का अगर हम मुवाजना करें तो वो बहुत कम थी। पाकिस्तान आर्मी की अगर बात करें तो वो सारी कश्मीर साइड पर लड़ रही थी,
जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में मसरूफ थी और यहाँ पे छुप छुपा कर, वैसे तो 8 सितंबर को इंडिया ने यहाँ पे सियालकोट पर हमला किया था, लेकिन 6 सितंबर को रात 3:30 के ऊपर छुपके बुजदिल दुश्मन ने लाहौर पर हमला किया। और उसका वो ख्वाब था कि जिम खाना में जाकर चाय पियेंगे, वो कभी पूरा नहीं हो सका और ना होगा इंशाल्लाह। वैसे अगर यहाँ पे इन गांव को देखें तो गांव तो बड़े डेवलप लग रहे हैं, और वैसे भी अमूमन सियालकोट के अंदर ज़्यादातर दो लोग हैं, या तो अपना काम है उनका एक्सपोर्ट का, या ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री बाहर बिरूने ममालिक में काम करते हैं। तो ये ज़्यादातर ये गांव के लोग, आप देखें ना कितनी इनकी बिल्डिंग्स हैं बनी हुई, अच्छे ऐसा लग रहा है जैसे किसी शहर में है, लेकिन ये सियालकोट से काफ़ी दूर, तकरीबन 20 किलोमीटर दूर ये गाँव है। तो कितने डेवलप गांव है। अच्छा दोस्तों, ये अभी हम अल्लड़ गांव में पहुंच चुके हैं, और अभी गांव से ज़रा बाहर वाली साइड पे है स्टेशन, तो वहां जाके फिर मैं बनाता हूँ। आई थिंक ये रास्ता बाहर को जाता है। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 65 ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹੈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 40-45। 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਨਾਕੀਗੜ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ 95 ਸਾਲ ਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। 100 साल उम्र हो गई है ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ 65 ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਂਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 65 ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੋਂ ਦੌੜ ਗਈ ਆ ਗਈ, ਲਾ 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 ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਚੜ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਗਈ। ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਲੈਣ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੈਣੋਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਉਹ। ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਥੱਲੇ ਦੋ ਟੈਂਕ ਸੜੇ ਸਨ, ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਟੈਂਕ ਫਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨੱਸ ਗਏ ਜਿਉਂ ਨਸੇ ਤਰਸਣ। ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣੋ ਉਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਸਭ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਫਟ ਕਿਤਾ ਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਮਜੀਤ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਬਈ ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਲੰਘ ਉਹ ਗਾਂ ਗਏ ਹਨ ਸੜਕੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਡੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਡੋ ਗਏ, ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਗਏ ਐਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ,
ਦੋ ਮਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਮਈਆਂ ਇੱਕ ਉਂਝ ਲੰਘੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀਆਂ ਹੀ, ਮਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਝੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰਬਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 65 ਕੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਯੇ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਕਾ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਫ ਰੇਲਵੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਥਾ, ਯੇ ਫਾਟਕ ਲਾਈਨ ਕੇ ਨੀਚੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਥਾ। ਫਿਰ ਜਬ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਰਹਾ ਯਹਾਂ ਤੱਕ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ 1965 ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਥੀ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਰਮੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਿਫਟਡ ਹੋ ਗਈ ਥੀ।